नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रो टुडे एकेडमी। नया साल हर किसी की लाइफ में न्यू ड्रीम्स, न्यू होप्स एंड न्यू गोल्स के साथ साथ बहुत सी क्यूरियोसिटी भी लेकर आता है, और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक रहता है कि क्या ये साल मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं। कोई अपनी मैरिज के बारे में, कोई करियर के बारे में, और कोई हेल्थ के बारे में जानना चाहता है। किसी को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की चिंता है, तो किसी को फॉरेन सेटल होने की। न जाने ऐसे कितने ही सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नए साल 2023 का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के वीडियो में जानेंगे कि मेष राशि के लोगों के लिए नया साल 2023 कैसा रहने वाला है, करियर की दृष्टि से आने वाला साल कैसा रहेगा, बिजनेस करते हैं या जॉब, साल 2023 कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, धन संपदा के साथ प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे या नहीं, स्टूडेंट्स के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लव लाइफ और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और साथ ही उपायों की बात करेंगे कि साल 2023 में मेष राशि के लोगों को ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे लाइफ में आ रही प्रॉब्लम से राहत मिले। जिन भी लोगों के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के सी और एल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, उनका नाम मेष राशि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्क्रीन पर आ रहे अक्षर मेष राशि के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका या आपके किसी अपने का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, तो आपकी राशि मेष है, और आज का वीडियो खास आपके लिए है। मेष राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 का फर्स्ट मंथ लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। इनकम के नए सोर्स बनेंगे, नया काम भी शुरू कर सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर और पॉलिटिक्स से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी, धार्मिक यात्रा के भी योग बनेंगे। फरवरी के महीने में अचानक से धन प्राप्ति और लाभ के योग बनेंगे। वहीं मार्च के महीने में बिना कारण खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। अप्रैल के महीने में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। मई के महीने में धन लाभ हो सकता है और मान सम्मान में वृद्धि के योग बनेंगे, लेकिन घर की महिलाओं की हेल्थ खराब हो सकती है। मई के महीने में घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। जून के महीने में घर परिवार के सदस्यों के बीच मधुरता बढ़ेगी, कोई पुराना अटका हुआ इम्पोर्टेंट काम पूरा होगा। स्टूडेंट्स के लिए जुलाई का महीना अच्छे फल लेकर आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले बच्चों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। जॉब की तलाश कर रहे लोगों को भी सफलता प्राप्त होगी। अगस्त के महीने में परिवार में शुभता बढ़ेगी। यदि कर्ज को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें कमी आ सकती है। सितंबर के महीने में आपको या आपके किसी प्रियजन को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अक्टूबर के महीने में मैरिड लाइफ के साथ साथ काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपके स्पाउस को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। नवंबर के महीने में आपकी सेहत खराब हो सकती है। सजग रहें और काम से जुड़ी कोई लंबी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अवॉइड करें। दिसंबर के महीने में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे। 2023 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर और उनका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। 17 जनवरी 2023 शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल 2023 गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। साल 2023 के पहले महीने में शनि 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 11th हाउस में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि फर्स्ट हाउस पर, सप्तम दृष्टि फिफ्थ हाउस पर और दशम दृष्टि 8th हाउस पर डालेंगे। फर्स्ट हाउस पर शनि की दृष्टि हमेशा हार्ड वर्क करवाती है, और यही हार्ड वर्क आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते खोलेगा। इसलिए 17 जनवरी के बाद मेहनत करने से बिल्कुल ना घबराएं। साल के शुरुआती महीनों में काम की अधिकता के चलते थोड़े हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है, इसलिए काम के साथ साथ योग प्राणायाम को भी अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं। फिफ्थ हाउस पर शनि की सप्तम दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग बना रही है। शनि का यह गोचर करियर और नौकरी में अच्छी ग्रोथ के भी संकेत दे रहा है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, जीवन में नए रिश्ते बनेंगे, संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। जिन्हें संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। 8th हाउस पर शनि की दशम दृष्टि अचानक से धन लाभ के योग बनाएगी। संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद समाप्त होगा, कोई भी पुराना कोर्ट केस या लीगल मैटर सोल्व हो सकता है। साल 2023 के शुरुआती महीनों में देव गुरु बृहस्पति 12th हाउस में रहेंगे। 12th हाउस में गुरु की यह स्थिति शुभ कार्यों में खर्च करवा सकती है, इसलिए इस साल आपके प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु मेष राशि में गोचर करेंगे। फर्स्ट हाउस में गुरु का यह गोचर जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगा। हेल्थ में आ रही प्रॉब्लम्स दूर होंगी, मेंटल स्ट्रेस में कमी आएगी। फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाएगा।
22 अप्रैल के बाद धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। देवगुरु की फिफ्थ हाउस पर पंचम दृष्टि स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग बना रही है। इस टाइम पीरियड में हायर एजुकेशन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे, रुकावटें आ रही थी, तो इस समय अंतराल में फॉरेन स्टडीज के योग बनेंगे। जिन लोगों को संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही थी, उन्हें संतान प्राप्ति के भी योग बनेंगे। सेवंथ हाउस पर गुरु की दृष्टि विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए विवाह के प्रबल योग बनाएगी। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी विवाह के योग बन सकते हैं। बृहस्पति की नाइन्थ हाउस पर दृष्टि विदेश यात्रा के योग बनाएगी। करियर और व्यापार में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, प्रमोशन के अवसर बनेंगे। साल 2023 करियर की दृष्टि से कई पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। राहु की बात करें तो राहु का गोचर 30 अक्टूबर 2023 तक फर्स्ट हाउस में रहेगा। मेष राशि पर राहु का प्रभाव जीवन में उलझनों को बढ़ाएगा। मन अशांत रहेगा। डिसीजन लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में प्रॉब्लम आ सकती है। राहु की यह स्थिति हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दे सकती है। स्टमक इन्फेक्शन और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड में अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अन्यथा बीमारियों पर खर्चे बढ़ जाएंगे और हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 30 अक्टूबर को राहु जब 12th हाउस यानी कि व्यय भाव में गोचर करेंगे तो अचानक से खर्चों में वृद्धि होगी। साल के अंतिम दो महीने नवंबर और दिसंबर में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। बेकार के खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। अकारण गुस्से और अग्रेशन से वाद विवाद संभव है और बेफजूल की यात्राएं भी हो सकती हैं। 30 अक्टूबर 2023 तक केतु 7th हाउस में रहेंगे। 7th हाउस में स्थित केतु पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ला सकते हैं। बिजनेस पार्टनर से वाद विवाद संभव है। मैरिड लाइफ में भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी से बेकार के किसी भी वाद विवाद में पड़ने की बजाय उनकी भी सुने और उन्हें समझने का प्रयास करें। 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। केतु के इस राशि परिवर्तन से जीवन में आ रही समस्याओं से कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। आइए अब जानते हैं 2023 में आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। मंदिर के बाहर बैठा कोई गरीब दिखाई दे तो उसे दान जरूर दें। किसी अनाथ आश्रम में यथासंभव सहायता करें और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन पर आ रहे मंत्र के लिंक पर क्लिक करें, इसे सुबह शाम सुने और जाप करें। और यदि आप ये जानना चाहते हैं आपका लकी जेमस्टोन कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल सेंड कीजिए। वृषभ राशि के लोगों के लिए नया साल 2023 कैसा रहने वाला है? जिन भी लोगों के नाम का पहला अक्षर इंग्लिश के वी ओ या बी अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उनका नाम वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्क्रीन पर आ रहे अक्षर वृषभ राशि के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका या आपके किसी अपने का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 में जनवरी का महीना शुभ फलदायी रहेगा। बिजनेस या करियर से रिलेटेड लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। ये यात्राएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। फरवरी के महीने में करियर में प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। बिजनेस में भी लाभ के योग बनेंगे। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े फील्ड्स में काम करते हैं उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर मिल सकते हैं। जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। मार्च का महीना धन की दृष्टि से अच्छे फल देने वाला हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मार्च का महीना मेंटल स्ट्रेस दे सकता है जिसके चलते पढ़ाई में आलस बढ़ेगा और एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है। अप्रैल के महीने में बेकार के खर्चे बढ़ सकते हैं। इस महीने में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने और पैसा उधार देने से बचें, हानि हो सकती है। मई के महीने में भाग्य का साथ मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, परिवार का सहयोग मिलने से सुखों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक तौर पर भी मजबूती आ सकती है, लेकिन स्पाउस के हेल्थ इश्यूज परेशानी बढ़ा सकते हैं। जून के महीने में परिवार में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अचानक से धन खर्च बढ़ने से प्रॉब्लम आ सकती है। जुलाई के महीने में घर में चल रहे वाद विवाद में कमी आएगी। परिवार और मित्रों का सहयोग मिलने से तनाव कम होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। अगस्त में प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बनेंगे, सुखों में भी वृद्धि हो सकती है। सितंबर के महीने में स्ट्रेस के कारण एग्रेशन और गुस्सा बढ़ सकता है जिसके कारण परिवार में तनाव की स्थिति बनेगी, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव वाला रह सकता है, कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, लेकिन साथ ही खर्चों की अधिकता के कारण परेशानी बढ़ेगी। नवंबर में स्पाउस की हेल्थ खराब रह सकती है, व्यापार में कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। दिसंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए सजग रहें। आइए अब 2023 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर और उनका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे।
17 जनवरी 2023 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ में प्रवेश करेंगे। 10th हाउस में बैठकर शनि अपनी तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर, सप्तम दृष्टि 4th हाउस पर और दशम दृष्टि 7th हाउस पर डालेंगे। शनि का यह गोचर नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन दे सकता है। सरकारी नौकरी करते हैं तो स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। वृषभ राशि के जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, शनि की विदेश भाव पर दृष्टि विदेश जाने के अच्छे योग बना रही है। वृषभ राशि के जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। शनि की फोर्थ हाउस पर दृष्टि अच्छे और बुरे मिश्रित फल दे सकती है। साल 2023 में प्रॉपर्टी की सेल परचेज के योग बन सकते हैं। जो लोग वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस पर शनि की सप्तम दृष्टि माता पिता की हेल्थ को प्रभावित कर सकती है। सेवंथ हाउस पर शनि की दशम दृष्टि साल 2023 में आपके स्पाउस के लिए शुभ संकेत दे रही है। आपके पार्टनर को जॉब या बिजनेस में ग्रोथ के अवसर मिल सकते हैं। नए वाहन का सुख प्राप्त हो सकता है, लेकिन स्पाउस की हेल्थ खराब रह सकती है। उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दांत, कान और हड्डियों से जुड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक अपनी राशि मीन में लाभ भाव में होंगे। देवगुरु की यह स्थिति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनाती है। सुख समृद्धि और धन संपदा में वृद्धि हो सकती है। बिजनेस और जॉब में सफलता के योग बनते हैं। संतान सुख में वृद्धि होती है। सरकारी कार्यों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे। आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक देवगुरु और राहु की युति अनावश्यक खर्चों को बढ़ा सकती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है। विदेशों से व्यापार के योग बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं। जो स्टूडेंट्स रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं उनको साल 2023 में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जॉब के अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आस्था बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा की प्लानिंग बन सकती है। वृषभ राशि के जो लोग विदेश घूमने जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन इन सब के साथ आपके मन में कोई डर चिंता रहेगी। राहु के प्रभाव के चलते टेंशन और डर की स्थिति पैदा हो सकती है। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर पड़ रही है। घर में मांगलिक और धार्मिक कार्य हो सकते हैं। हवन यज्ञ या संतान के विवाह के योग बन सकते हैं। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशियों का संचार होगा। वाहन और प्रॉपर्टी का सुख भी मिल सकता है। सिक्स्थ हाउस पर देवगुरु की सप्तम दृष्टि करियर में ग्रोथ के संकेत दे रही है। जॉब में प्रमोशन के चांस बनेंगे। मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। पुराने कोर्ट केस या लीगल मैटर्स भी सोल्व हो सकते हैं। सिक्स हाउस पर गुरु की सप्तम दृष्टि हेल्थ इश्यूज बढ़ा सकती है। जिन भी लोगों को डायबिटीज की समस्या पहले से है उन्हें 2023 में सजग रहना चाहिए। जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं, उनको भी इस समय हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। एट्थ हाउस पर देव गुरु की नवम दृष्टि अचानक से धन लाभ के योग बनाएगी। इन्वेस्टमेंट से लाभ के अवसर बन सकते हैं। फॉरेन से जुड़ा कोई बिजनेस करते हैं तो धन लाभ हो सकता है। 30 अक्टूबर 2023 तक राहु 12th हाउस में रहेंगे। राहु के प्रभाव के चलते टेंशन और डर की स्थिति पैदा हो सकती है। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। लाभ भाव में राहु का गोचर नवंबर और दिसंबर के महीने में धन लाभ के योग बनाएगा। फॉरेन से इनकम के योग बनेंगे। कारोबार से भी लाभ हो सकता है। 11th हाउस में राहु का यह गोचर पुरानी चल रही प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। समाज में मान सम्मान और पॉपुलैरिटी मिलने के भी योग बनेंगे। केतु 30 अक्टूबर तक आपके 6th हाउस में रहेंगे। 6th हाउस में केतु मिश्रित फल दे सकते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे फल मिल सकते हैं, लेकिन चोट लगने की आशंका भी बनी रहेगी। हेल्थ खराब होने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। केतु का 6th हाउस में गोचर शत्रुओं पर विजय दिलाता है। 30 अक्टूबर को केतु 5th हाउस में गोचर करेंगे। 5th हाउस में केतु संतान के लिए अच्छे फल नहीं देते। संतान की स्टडीज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन शेयर मार्केट से अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। भौतिक जीवन में सफलता के साथ साथ आप आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ेंगे और जीवन में एक सकारात्मक बैलेंस बनाकर चलने में सक्षम हो सकते हैं। उपाय की बात करें तो आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। पक्षियों के खाने के लिए दाना डालें और पीने के लिए पानी रखें। गाय की सेवा करें और रात के समय काले कुत्ते को रोटी जरूर खिलाएं। कुछ रोगियों की सहायता करें और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आ रहे मंत्र के लिंक पर क्लिक करें। इसे सुबह शाम सुनें और जाप करें। हम मिथुन राशि में जन्मे लोगों का आने वाला साल 2023 कैसा होगा इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिन भी लोगों का नाम इंग्लिश के अल्फाबेट के, सी एच, जी एच या एच से स्टार्ट होता है उनका नाम मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा स्क्रीन पर आ रहे अक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो आपकी राशि मिथुन है। मिथुन राशि में जन्मे लोगों के लिए साल 2023 की सबसे महत्वपूर्ण और सुखद बात ये होगी
कि 17 जनवरी 2023 को मिथुन राशि पर चल रही शनि की ढैया समाप्त होने से मिथुन राशि में जन्मे लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगे। जनवरी के महीने में भाग्य में वृद्धि के योग बनेंगे। पिछले साल की गई मेहनत के सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। रुके और बंद पड़े कार्यों में गति देखने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कष्ट बढ़ाने वाला हो सकता है। फरवरी के महीने में कोई नया काम शुरू करने की संभावना बन सकती है। यात्राओं के भी योग बनेंगे, ये यात्राएं भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगी। मार्च के महीने में धन लाभ की संभावना बन सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज के योग बन सकते हैं। पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। अप्रैल के महीने में कोई पुराना खोया या डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिलने से धन लाभ हो सकता है, लेकिन मई के महीने में अचानक से खर्चे बढ़ने से घर का बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए मई के महीने में खर्चों पर कंट्रोल रखें। इस महीने में किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से या पैसा उधार देने से भी बचें। जून के महीने में घर में खुशियों का माहौल बनेगा। वर्क प्लेस पर आपके काम की प्रशंसा होगी। मान सम्मान और वर्चस्व में बढ़ोतरी के योग बनेंगे। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। धन लाभ के साथ खर्चों के बढ़ने की भी संभावना रह सकती है। अगस्त का महीना लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। इस महीने आपकी कुछ ऐसी विशेष पूरी होंगी जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। सितंबर के महीने में किसी चिंता परेशानी के चलते मन अशांत हो सकता है। घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ खराब रह सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। अक्टूबर का महीना स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा खराब रह सकता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ने के कारण फोकस में कमी देखी जा सकती है, इसलिए इस टाइम पीरियड में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। नवंबर का महीना रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला हो सकता है। इस महीने हेल्थ में सुधार होगा और कर्जों से भी मुक्ति मिलेगी। दिसंबर के महीने में नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। घर में किसी धार्मिक या मांगलिक कार्य के भी योग बनेंगे। आइए अब साल 2023 में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर और उनका आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में जान लेते हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में गोचर करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 9th हाउस से शनि अपनी तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर, सप्तम दृष्टि थर्ड हाउस पर यानी सहज भाव पर और दशम दृष्टि 6th हाउस पर डालेंगे। शनि का यह गोचर विदेश जाने के अच्छे योग बना रहा है। मिथुन राशि के जो लोग विदेश घूमने जाना चाहते हैं या फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग फॉरेन से जुड़ा कोई बिजनेस करना चाहते हैं या पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए भी विदेश जाने के अच्छे योग बन सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा खराब रहेगा, इसलिए इस टाइम पीरियड में पिता की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। शनि की लाभ भाव पर दृष्टि साल 2023 में धन लाभ के अच्छे संकेत दे रही है। रुके और बंद पड़े कार्यों में गति आने से लाभ होगा। मार्केट में फंसा पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कारोबार और नौकरी में अच्छे बदलाव के संयोग बनने से लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। 2023 में प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बनेंगे। शनि की थर्ड हाउस पर दृष्टि किसी पुराने विवाद को समाप्त करने के भी योग बनाएगी। इस साल पुराने कोर्ट केस या लीगल मैटर के सोल्व होने की संभावनाएं बनेंगी। शनि की 6th हाउस पर दृष्टि करियर में ग्रोथ के अवसर दे सकती है। जिनकी किसी कारणवश जॉब चली गई है या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है उनको दोबारा जॉब ऑफर मिलने के योग बन सकते हैं। इस साल धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे जिसके चलते पुराने कर्जों से राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी, लेकिन 6th हाउस पर शनि की दृष्टि स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है। हेल्थ इश्यूज परेशान कर सकते हैं, इसलिए इस साल हेल्थ के प्रति सजग रहें। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस में गुरु आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, करियर में भी अच्छे परिणाम देंगे। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि के लोगों के लिए देवगुरु का यह गोचर शुभ फलदायी रहेगा। स्टूडेंट्स को स्टडीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ज्ञान में वृद्धि होने से भविष्य में लाभ के अवसर बनेंगे। मेहनत से ज्यादा फल मिलने के योग बनेंगे। व्यापार में कारोबार में लाभ के योग बनेंगे। जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। प्रमोशन के भी योग बन सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बनेंगे। शेयर मार्केट या अन्य किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ की संभावनाएं बनेंगी। थर्ड हाउस पर गुरु की पांचवी दृष्टि स्थान परिवर्तन के योग बनाएगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनको जॉब की अच्छी ऑफर्स आ सकती हैं। विदेश जाना चाहते हैं या जॉब के लिए अप्लाई किया है तो सिलेक्शन की संभावनाएं बनेगी। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनको फॉरेन के अच्छे इंस्टीट्यूट से स्टडीज का अवसर प्राप्त हो सकता है। 5th हाउस पर गुरु की सप्तम दृष्टि संतान प्राप्ति के अच्छे योग बना रही है। जिन कपल्स को संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ रही थी उनके लिए समय अच्छा रहेगा।
स्टूडेंट्स की बात करें तो करियर में ग्रोथ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, पर्सनल ग्रोथ के भी अवसर मिलेंगे। बच्चे अपने हार्ड वर्क से सफलता प्राप्त करेंगे और अपनी मेंटल एबिलिटी के आधार पर लक्ष्य प्राप्त करेंगे। सेवंथ हाउस पर गुरु की नवम दृष्टि अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे योग बना सकती है। जो युवक युवतियाँ विवाह योग्य हैं, उनकी प्रतीक्षा इस साल समाप्त होगी। मिथुन राशि के जो लोग शादीशुदा हैं, उनके लिए भी साल 2023 शुभ फलदायी रहेगा। संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, करियर में भी सफलता मिलेगी। धन की दृष्टि से भी यह साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पूरा साल धन का प्रवाह बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति साल 2023 में घर, प्रॉपर्टी, वाहन और रत्न प्राप्ति के भी योग बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यह साल अत्यंत शुभ रहेगा। 22 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। राहु की बात करें तो राहु 30 अक्टूबर तक मेष राशि में गोचर करेंगे। 11th हाउस में राहु अचानक से धन लाभ की संभावनाएं बनाएंगे। राहु का लाभ भाव में गोचर मिथुन राशि के लोगों को अच्छे परिणाम दे सकता है। इच्छाओं की पूर्ति के योग बनेंगे। 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में गोचर करेंगे और 10th हाउस में राहु अच्छा फल देने वाले रहेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन का सुख दे सकते हैं। रोग, ऋण, शत्रुओं में कमी आएगी। वाद विवाद समाप्त होंगे। केतु 30 अक्टूबर तक 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस में गोचर हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें। 30 अक्टूबर को केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे। करियर में मजबूती के योग बनेंगे। भौतिक सुखों में भी वृद्धि होगी। मोक्ष प्राप्ति के भी योग बन सकते हैं। उपाय की बात करें तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों या तिल के तेल का दिया जलाएं। रात के समय काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। सर्दियों में काले सफेद कंबल का दान करें। विधवा आश्रम में कुछ सहायता करें और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आ रहे मंत्र के लिंक पर क्लिक करें। इसे सुबह शाम सुनें और जाप करें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका लकी जेमस्टोन कौन सा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल सेंड करें। और यदि आप अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे लिंक पर क्लिक करें। और आप हमारी न्यूमरोलॉजी सीरीज के लिंक पर क्लिक करके अपनी डेट ऑफ बर्थ से लाइफ टाइम प्रेडिक्शन जान सकते हैं। साथ ही बामिस्ट्री सीरीज के लिंक पर क्लिक करके अपने हाथों की रेखाओं से अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके घर में या ऑफिस में कोई वास्तु दोष तो नहीं, तो वास्तु सीरीज के लिंक पर क्लिक करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक और नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।